Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र को एक बेमिसाल सौगात दिए हैं। यह सौगात है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो एक तरफ तो भवन शिल्प के बेजोड़ नमूने के तौर पर सामने आएगा तो दूसरी तरफ इसकी बुलंद इमारत भारत जापान के तकनीकी दोस्त की मिसाल भी बनेगी। साल 2015 में इस कन्वेंशन सेंटर की नींव पड़ी थी, जो कि अब बनकर तैयार है और अब वाराणसी के साथ ही देश विदेश के लोग इसका लाभ ले पाएंगे। 108 रुद्राक्ष देंगे आध्यात्मिक दृढ़ता। जानकारी के मुताबिक देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में भारत जापान दोस्ती की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का आज पीएम मोदी लोकार्पण कर रहे हैं। जापान के सहयोग से वाराणसी में बनने वाले इस कन्वेंशन सेंटर का 90% तक काम पूरा हो चुका है। इसके नाम में रुद्राक्ष के मुताबिक ही यहाँ 108 बड़े और आकर्षक कृत्रिम रुद्राक्ष लगाए गए हैं, जो इसे आध्यात्मिक स्वरूप दृढ़ता प्रदान करेंगे। सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्युमिनियम के लगे ये बड़े रुद्राक्ष इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। 186 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है कन्वेंशन सेंटर। आध्यात्मिक बनारस में संस्कृति और आधुनिकता की धरोहर को संभालने वाला केंद्र बनेगा। 186 करोड़ की लागत से तैयार इस हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में देश विदेश के सैलानी गीत संगीत नाटक और प्रदर्शनी का लुफ्त उठा सकेंगे। 3 एकड़ में तैयार यह कन्वेंशन सेंटर दुनिया के अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 1200 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। कन्वेंशन सेंटर की कुर्सियां वियतनाम से मंगाई गई हैं। 150 लोगों के क्षमता वाले 2 कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहां बने हैं। दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सेंटर के मुख्य दोनों दरवाजों पर 6-6 व्हील चेयर भी लगे हैं। इसके बेसमेंट में 120 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। साल 2015 में हुई थी निर्माण की शुरुआत। भारत जापान दोस्त की मिसाल एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर की नींव साल 2015 में बड़ी थी। उस वक्त पीएम मोदी जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ वाराणसी आए थे। इसी दौरान दोनों पीएम के बीच इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर चर्चा हुई थी। रुद्राक्ष को तैयार करने का पूरा काम जापान की फुजिता कॉरपोरेशन कंपनी ने किया है। निर्माण के अलावा इसका डिजाइन भी जापान के ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने किया है। और आज जो है नरेंद्र मोदी बनारस में पहुंचकर इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी कर रहे हैं, जिसके बाद से वहाँ के लोगों में एक खुशी की लहर और नए तौर तरीके से पर्यटक स्थल में कहीं ना कहीं कन्वर्जन की जो बात हो रही है वो भी सामने आ रही है, और इस चीज़ से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.